वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी सुबह यानी 8:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी सैलून, क्योंकि अभी है मेरा एक मेकअप। और आज सुबह की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि आज हुई है बहुत अच्छी सुबह सुबह बारिश और ठंडा ठंडा लग रहा है। कहाँ पर दिख रही हूँ मैं? सैलून पे। मैं सैलून पे आ गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी, तब मैं सिर्फ मेकअप करने के लिए आई थी। और आज तो मेरे साथ क्या ही हुआ है, यानी मेरे को एक बार फ़ोन आज मेरे साथ हुआ कि मैं जैसे ही सुबह मेकअप करने के लिए आई, लाइटें थी ही नहीं क्योंकि बारिश हुई थी, इसलिए लाइटें नहीं थी। तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज, बिल्कुल ख़त्म। तो क्या करूँ मैं अभी? इस सैलून में तो चारों तरफ से पैक है, कहीं से उतना उजाला तो आता ही नहीं है। अब मेकअप करना है, क्लाइंट भी आ गई है, तो फिर पीछे ओटी से जहाँ पर हम हेयर वॉश करते हैं, यस जो शैम्पू स्टेशन है वहाँ पर, तो हेयर वॉश करते हैं वहाँ पर ओटीएस है, तो वहाँ पर थोड़ी सी लाइट आ रही थी। वहाँ पर किया मैंने मेकअप। ये वाली चेयर मैं पीछे ले गई थी, मैंने ही ले गई थी, चिकू लेके गए थे, क्योंकि चिकू की बहुत बड़ी हेल्प रही इसमें। चिकू लेके गए, फिर वहाँ पर क्लाइंट को बिठाया, वहीं पर मेकअप किया। ज्योति भी थोड़ी देर बाद आई थी, तो फिर ज्योति आई। लगभग हमको करना था 7:30 बजे मेकअप, 7:30 बजे क्लाइंट आ गई, मैं भी 7:30 बजे आ गई, पर लाइट नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई, और क्लाइंट को इतनी गर्मी लग रही थी। उनका क्या, क्लाइंट जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसकी गोद भराई का मेकअप था, तो वो ऑलरेडी बेचारी थी, स्वेटी हो रही थी, और ऊपर से लाइट नहीं। उजाला मिल गया, अब हवा तो चाहिए, पंखा ही हो जाए तो भी काम चल जाए। फिर ज्योति ने लिया एक गत्ता, उससे उसको हवा की, मैंने मेकअप किया। और फिर क्लाइंट थी वो हेयर वॉश करके आई थी, बाल थे एकदम गीले कंप्लीट। अब उस पर मैं हेयर स्टाइल कैसे बनाऊँ? फिर मैंने कहा अब तो नहीं बनेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा हमको। तो फिर हम लोग गए घर पर। तो आपको पता ही है सोलर लगा हुआ है, इसलिए लाइट्स का कोई लोचा नहीं है। घर पे गई, उसके बाल वगैरह ड्रायर से सुखाए, और फिर घर पे हेयर स्टाइल बनाई। चिकू लेने आए हमको, यानी कार लेके लेने आए। हम तीन लोग थे यहाँ से, क्लाइंट थी और ज्योति थी, मैं थी, तीन जने लेके गए बेचारे वहाँ पर। मैंने उसको रेडी किया, फिर वहाँ से वो गई। तो आज तो यानी सुबह सुबह पूछो ही मत, ये हाल हो गए थे। फिर आज संडे भी है, तो आज पूरा मार्केट खुल गया है, तो आज चलो हमने भी सोचा कि खोल देते हैं, मार्केट तो खुल गया है। जैसे कि आज सुबह से मैं थकी हुई हूँ, आज हेडेक हो रहा है मेरे को सुबह से, क्या पता प्रॉपर नींद नहीं ली है इस वजह से हो रहा है, पर चलो कोई नहीं। आज सुबह बहुत इतना गुस्सा आ रहा था ना, ये इन्वर्टर को भी क्या हो गया है, क्या पता इतनी बार सही करा रहे हैं तो भी इसको सही नहीं होना है, पर क्यों नहीं होना है, यानी इसकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर मिल ही नहीं रही है। बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, ये चीज़ पता नहीं चल रही है। इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, अगर ऐसे ऐसे ही रहा तो बेचारे मैं क्या करूँगी, मैं क्लाइंट्स क्या करूँ, यही बड़ी दिक्कत हो गई। और आज ज्योति भी नहीं आई है, फिर वो थोड़ी देर सुबह आई थी, उसके भी पेरेंट्स घर नहीं है, तो घर पे बहुत सारा काम है ऐसा ऐसा करके। और मैंने कल ऑयलिंग की थी, आज हेयर वॉश करना है, और मैं शैम्पू कंडीशनर मैंने यहीं पर रखा है, और ऑयलिंग ऑयल भी यहीं पर है, वो रहा वहीं पे जमा रखा है। क्या मेरे को इससे काफ़ी फ़र्क तो पड़ रहा है। अब ज्योति आती है तो ज्योति को बोलती हूँ, अगर थोड़ी देर भी आ जाए तो मेरा हेयर वॉश करके जाएगी वो कम से कम। चलो ज्योति ज़्यादा नहीं, पर 15 मिनट के लिए ही आ जाएगी, तो मेरे हेयर वॉश हो जाएंगे। ऑयल ये ओवरनाइट ही रखने का है, पर मैं यहाँ पर अंधेरा पड़ जाता है फिर ही जाती हूँ, यानी डस्ट वगैरह नहीं उड़े जाके मेरे को खाना बना के सिर्फ सोना पड़े, इस टाइम पे ही लगवाती हूँ यानी। और सुबह आके तो मैं वॉश करवा देती हूँ, पर आज जैसे कि ज्योति नहीं, आज सुबह ही सोचा था, पर लाइट्स वाइट्स थी नहीं और सब उलझ गए, इसलिए कुछ हो ही नहीं पाया। ऑयलिंग करने से पहले ले लेते हैं, यानी हेयर वॉश करने से पहले ले लेते हैं थोड़ी सी हेयर मसाज, फील करेंगे। और आज मैंने और ज्योति ने कोइंसिडेंसली सेम ही कपड़े पहने, यानी येलो शेड भी लगभग सेम लग रहा है। ये हेयर वॉश मेरा हो गया है, और मैंने नेचुरली ड्राई होने दिए मेरे हेयर्स को। हमेशा ड्रायर यूज़ करना भी अच्छी बात नहीं है, वो कभी कभार होता है तो चल जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बैक टू बैक मेरे यानी वीडियो में हेयर मसाज दिखाती रहती हूँ, ऑयल दिखा रही हूँ, शैम्पू दिखा रही हूँ, कंडीशनर एंड ऑल, बट मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यू, यानी दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है। रिव्यू क्या होता है ना कि हम वन टाइम यूज़ करके भी दे सकते हैं, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मेरे व्लॉग्स में साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और
जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, वही चीज़ में आपको भी देखने पर फील हो, ये मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी फेक नहीं बता रही हूँ, कि मुझे हर चीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से जो भी नॉलेज है वो मैं सही दे पाऊँ, कुछ भी बनावटी ना दे पाऊँ। मेरा मकसद यही है यानी मेन, तो इसलिए मैं आपको बैक टू बैक यानी मेरी वीडियो में ऑयलिंग वगैरह ये सब कुछ दिख रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बोर हो या फिर सेम चीज़ दिखा रही है ये, पर कभी भी आपको अब ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आप नो डाउट होकर ये प्रोडक्ट ख़रीद सकते हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने मेरे खुद के ऊपर यूज़ करी है और मैं इतने दिनों से आपके साथ मेरी रूटीन शेयर करती हूँ, प्लस मैं सब कुछ दिखा रही हूँ कि क्या कैसे है क्या है। तो ये यानी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, आपको यानी प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ करने में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ मैंने मेरे ऊपर यूज़ करके इतने दिनों की जर्नी आपके साथ शेयर की है। इसलिए अब आज मैंने सेकेंड टाइम हेयर ऑयल किया है और अभी तक तो मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। टूट गिरने बाल बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, यानी जो बाल मेरे टूट रहे थे, निकल रहे थे पूरे के पूरे रूट्स से। कभी हेयर फॉल होता है, अब हेयर फॉल इस वजह से भी हो सकता है कि हम प्रॉपर डाइट ना लें या फिर हम स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। गर्ल्स को तो मेंसेस के ड्यूरिंग भी यानी हेयर फॉल होता है, यानी जब हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक अप एंड डाउन हो जाते हैं, उस वजह से होता है। और उस टाइम पे जो मेरे साथ होता है यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो हो सकता है कितनी लड़कियों को होती होंगी। तो वो क्या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी हमको यानी हार्म करता है और मेंटली भी करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी डिप्रेस लिटरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन रहता है, इसलिए उसके लिए कभी कभी हमको पेन किलर्स वगैरह भी लेनी पड़ती हैं, उस वजह से भी हेयरफॉल हो सकता है। तो वो सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड ही होता है, और पीरियड ख़त्म तो ये चीज़ भी ख़त्म ऐसा हो जाता है। पिंपल एक्ने, मुझे ऐसे पिंपल के बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पर पीरियड्स के दौरान आने वाले होते हैं तो एक दो कहीं निकल जाते हैं। वो भी मैं जो मिशेल का यूज़ कर रही हूँ उस वजह से मुझे उसका दाग भी नहीं रह रहा है, टच वुड, यानी उसका मुझे ये डर नहीं है। आया तो वह चला भी जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जैसे ही मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है यानी डैंड्रफ की, तो यही चीज़ मुझे यानी मेरे फेस पर भी थी। तो फेस पर मुझे यहाँ पर वगैरह डेड स्किन बहुत ज़्यादा आती। जब से मैंने मिशेल यूज़ किया ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर जो दाग थे वो हट गए, मेरी जो डेड स्किन आती थी बहुत रूखी सूखी जो त्वचा लगती थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब मेरी जो स्किन है फेस की, मैं खुद यानी रियलाइज़ कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लफी, मेरा जो कलर टोन है वो भी बड़ा है, जो मेरा डल था जो फेस पहले वो ब्राइट हुआ है, बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जब यूज़ कर रही थी और मैं नाइट क्रीम नहीं यूज़ कर रही थी उस टाइम पे, यानी प्रोडक्ट मुझे फ़ायदा कर रहे थे, मुझे मेरी स्किन उस टाइम पे बेस्ट लग रही थी, उस टाइम तक मुझे बेस्ट लग रही थी। और जब से मैंने नाइट क्रीम यूज़ की है, मैं आपको सच बताऊँ ना, जो मेरी स्किन में मुझे यानी 2 महीने में रिजल्ट मिला वो मुझे 1 मंथ में मिला है, यानी मेरी स्किन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है, इतनी सच में। नहीं, ये प्रोडक्ट एक तरह से मेरे फेस के लिए तो मुझे वरदान ही लगता है, कि जो मेरा फेस यहाँ से वगैरह जो बिगड़ा था, मैं सच में सोचती थी मुझे ये दाग कभी नहीं जाएंगे। और मैं खुद एज अ ब्यूटिशियन सिर्फ इसे मेकअप से ही हाइड कर सकती हूँ, मेरा सोचना ये था। चलो ये घर के नुस्खे करना सही रहता है, उससे हट भी जाता है, बहुत सारे नुस्खे रहते हैं जिससे हट भी जाता है, पर मेरा जो लाइफ का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कितनी औरतें मेरे जैसे काम करती है, फिर जो घर पे रहती है उसको मैं काम नहीं बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर पे रहना भी और घर को संभालना भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम और ड्यूटी है। तो औरतों को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें फिर रहता है ना कि छोड़ो ना, क्या है, वाह चलो चलेगा। पर ये जो हमारा यानी स्किन रूटीन वगैरह जो मैं फॉलो करती हूँ वो मेरे यानी बिजी शेड्यूल में मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करता है, उस वजह से मेरी स्किन है वो रिपेयर हुई और मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। सुबह लगाया
फेस वॉश किया, फिर रात को सोते समय जब मैं मेरा नाइट का रूटीन फॉलो करती हूँ उस टाइम पे कर लिया, बस यही है और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने फ़ोटो डाला था, एक इंस्टा पे फ़ोटो डाला था मैंने, मेरी स्किन का जो चेंज आ रहा है, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वो चीज़ आप देख सकते हो खुद ही। मैंने क्या गजब का, यानी मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी स्किन के अंदर, और मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज चलो सैलून का काम हो गया है इसलिए अब चलते हैं घर पे। चिकू को अभी फ़ोन करूँगी, चिकू लेने आ जाएंगे तो घर पे जाएंगे अब, और घर पे जाके आज जल्दी जा रहे इसलिए थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसी ऑफ, लाइट्स ऑफ, एलेक्सा बंद करना है क्या? ये हमारा वेटिंग एरिया। घर पर आ गई थी, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी इसलिए, और अभी चिकू गए हैं बाहर तो चलिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये हमारे बनीज भी अंदर आ गए, सब अभी घर पे आप देख सकते हो, सब चारों तरफ बिखेरा है, और बिखेरा ये इसलिए है क्योंकि पूरे घर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और अभी लेटेस्ट हमारे घर में जो मेरे वॉशरूम में वाल टूट गया था ना, तो यहाँ पर बाहर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो अंदर जैसे ही देखा तो अंदर पता चला कि बहुत ज़रा कचरा आ गया इसलिए यहाँ पर पानी बह रहा था। और ये यहाँ पर जंप बनवा दिया क्योंकि वहाँ पर क्या कचरा है ना उधर साइड, तो बहुत सारी मिट्टी आती है बह बह के, तो ये रुक जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ पर चली जाएगी पौधों के अंदर। और ये हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक, इसको कैसे डालोगे, सूखा तो है नहीं वहाँ पर। हाँ अंकल, क्या चार्ज पे डालोगे वहाँ पे? अच्छा, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अभी बारिश का मौसम है इसलिए इसको अंदर डालना पड़ रहा है, बेचारी इलेक्ट्रिक है इसलिए इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। और ये हमारी लैला बैठी है, ये रही लैला, और ये गाड़ी वहाँ पर रख दी है। तो बाप रे कितनी बड़ी शैडो आ रही है तुम्हारी साथ में। खेला खेली खेली करवा के आ जाओ थोड़ी देर, खेली खेली करवा के आ जाओ। ये चली गई इसकी बॉल लेने के लिए, लेला आजा, लेला। और सबसे ज़्यादा ये चिकू के साथ खेलती है सबसे ज़्यादा। लेला बॉल, लेला बॉल, आजा आजा। थोड़ी लेला को आगे बुलाओ। हाँ क्या, यानी दौड़ती है ये, चांस तो सेकंड देती नहीं है। चुप कर दे, चुप, अभी आएगी वह तुमको कहने के लिए, वो बहुत सारे आ गए उनको भगाओ। लेला बोल, लेला बोल, ले ले लेला बोल, आजा मेरे पास। नहीं आ जाए चुप, नहीं नहीं आजा, बॉल का है, बॉल बॉल का है। हाँ, अब नहीं खेलना इसको, अब खेलना नहीं इसको, गुस्सा आ गया है अब। लग नहीं जाओ मुंह पे, खेलने आ रही है, उछल रही है, वापिस फेंकी। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में क्या घर पे आ गए हम बाहर, लैला को भी चिकू ने थोड़ी देर खेलाया, और खेलने के लिए ऊपर उछल रही थी कि खेलाओ खेलाओ करके। और क्या कुत्ते आए थे, यानी दूसरे आए थे ना तो उनके पीछे, यानी अगर खुली होती ना उनकी खैर निकाल देती, यानी इतनी ज़बरदस्त भागते उनके पीछे। अभी चिकू कर रहे हैं एडिटिंग, और मेरे अब लगभग सोने का टाइम, आजकल शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, यानी सब मॉर्निंग रूटीन बिगड़ गई है, नाइट रूटीन बिगड़ गई है। मैं 11:30-12 बजे सो रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि सुबह मुझे जल्दी भी उठना होता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती, उस वजह से मुझे हेडेक वगैरह होता है सुबह, इसलिए मुझे हेडेक हो रहा था। कल रात को मैं 12:30 बजे सोई थी और मुझे आज जल्दी उठना था इसलिए, और क्या पूरा दिन सिर दर्द हुआ, फिर मैंने थक के टैबलेट ली, और फिर मेरा दूसरा कुछ काम हुआ, और मैं लंच में जो बना था वो भी शेयर नहीं कर पाई, डिनर में कर बनाया था वो भी, दोनों ही शेयर नहीं कर पाई इसलिए। सुबह तो बनाया था वेज पुलाव, दाल और रोटी और चा
वेज पुलाव दाल रोटी, और अभी बनाया था और अभी जो बनाया था यानी वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी, जो संडे के दिन सबके बनता है। अगर मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्या बना था, और मैं सोते सोते ही ब्लॉग कर रही थी। चलो उठ जाती हूँ। और मेरे हेयर का कलर अब धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कलर मुझे चाहिए था वो प्रॉपर है यानी। और थोड़ा सा क्या डार्क हो जाता है ना वॉश करने के बाद, धीरे धीरे वॉशेज होते हैं तो जो जिसका फिक्स कलर है वो आ जाता है, तो वो अच्छा लगता है। मेरी अभी स्क्रीन पर क्या वॉलपेपर आया है मस्त वाला, नहीं दिखेगा यार, चला गया। और कभी कभी तो ऐसा वॉलपेपर आ जाता है ना, क्या होता है बताए, रात को यानी मैं लाइट टीवी चालू करके ही सो जाती हूँ ना, चालू रह जाती है देखते देखते सो जाते हैं, तो वो फिर जो भी देख रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर टीवी ऑन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे वॉलपेपर आ जाते हैं यानी ऐसी पेंटिंग आती है, मैं तो क्या डरती हूँ रात को। और रात को जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठती हूँ ना, तो अगर वो वॉलपेपर दिख गया मुझे क्या डर लगती है मेरी तो ज़बरदस्त, फिर मैं फटाक से टीवी बंद करती हूँ। और मुझसे भी ज़्यादा बड़े डरपोक तो चिकू है, चिकू को इतनी डर लगती है रात को मुझको उठाते हैं, मेरे को वॉशरूम जाना है करके। और छत पे भी जाना होता है क्योंकि सोलर लगा हुआ है, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है तो ऊपर जाना ही पड़ता है सोलर का मशीन वगैरह जो भी है देखने के लिए। फिर साथ में चिकू बोलते हैं मेरे को, अरे यार तू भी चल ना, अरे यार तू भी चल ना। ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है वो भी। फट्टू हम दोनों में से चिकू ज़्यादा है, सिर्फ मैं चिपकली से ही डरती हूँ, लैला से भी थोड़ी थोड़ी डरती हूँ। कि लैला शुरू शुरू में मुझ पर बहुत भोंकती थी, क्या पता मैं उससे डरती थी उतना मुझे और ज़्यादा डर आता, अब तो लैला कुछ नहीं करती है। और बिना दीदी वाला बनी भी कुछ नहीं करता है, पर मेरे को बहुत डर लगती है उससे। तो चलो आज से थोड़ा सा मैं शेड्यूल सुधारने की कोशिश करती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, अभी 9:30 हो रही है। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, बाय।